हेलो गाइस, एग्ज़ाम की स्पेशल सीरीज़ में आज के लिए हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार किया है। चलिए देखते हैं आज का हमारा बेस्ट सेलेक्टेड टॉपिक जो है वो है विटामिन महत्वपूर्ण तथ्य। गाइस, हमने सभी विटामिन्स को एक साथ यहाँ शामिल किया है ताकि आपको एक ही जगह सारे मटेरियल्स जो भी विटामिन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ जितना आप देख रहे हैं उसके अलावा हम अभी आपको और कुछ आसान से ट्रिक भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप इन विटामिन्स को कुछ ही छड़ों में तैयार कर लेंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को आप ईजिली सही करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हमारा पहला जो विटामिन है, विटामिन ए। रासायनिक नाम इसका होता है रेटिनॉल। कमी से रोग होता है रतौंधी और इसका स्रोत है गाजर, दूध, अंडा, फल। विटामिन बी वन, रासायनिक नाम है थायमिन। कमी से रोग होता है बेरी बेरी और इसका जो स्रोत है वो है मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन बी टू, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। कमी से रोग होता है त्वचा फटना, आँख का रोग। स्रोत है अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। विटामिन बी थ्री, रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से रोग है पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना। स्रोत है मांस, दूध, हरी सब्जियां। विटामिन बी फाइव, रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड नियासिन। कमी से रोग है मानसिक विकार वेलाग्रा, इसी को कहते हैं। स्रोत मांस, मूंगफली, आलू। विटामिन बी सिक्स, रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। कमी से रोग है एनीमिया, त्वचा रोग। स्रोत है दूध, मांस, सब्जी। विटामिन बी सेवन, रासायनिक नाम है बायोटीन। कमी से रोग है बालों का गिरना, चर्म रोग। स्रोत है ईस्ट, गेहूं, अंडा। विटामिन बी ट्वेल्व, रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। कमी से रोग है एनीमिया, पांडु रोग। स्रोत है मांस, कलेजी, दूध। विटामिन सी, रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड। कमी से रोग है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। विटामिन डी, रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। कमी से रोग है रिकेट्स और स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। विटामिन ई, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। कमी से रोग है जनशक्ति का कम होना। स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। विटामिन के, रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। कमी से रोग है रक्त का थक्का न बनना। स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। इनके अलावा गाइस, जो हमने आपके लिए बेस्ट ट्रिक तैयार किया है, पहला हमारा ट्रिक है घुलनशीलता के लिए। घुलनशीलता में आपसे पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। तो जल में घुलनशील के लिए विटामिन का जो आपका ट्रिक है वो है WBC, इट मीन्स W वाटर, बी सी यानी विटामिन बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन के लिए FADEK, एफ का मतलब फैट, ADEK का मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। ए से लेकर के तक के विटामिन्स के जो रासायनिक नाम है उसके लिए हमने बेहद ही बहुत ही इजी ट्रिक तैयार किया है, रथ एक टॉफ़ी। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, रथ एक टॉफ़ी। आप बिल्कुल इनको अगर कॉपी पेन आपके हाथ में हो तो एक बार लिख करके डिस्क्राइब कीजिए, आपको तुरंत सारे रासायनिक नाम बहुत ही ईजिली तैयार हो जाएंगे। रथ एक टॉफ़ी, चलिए देख लीजिए। र का मतलब रेटिनॉल, थ का मतलब थायमिन, ए एस्कार्बिक एसिड, क कैल्सिफेरॉल, टा टोकोफेरॉल, फी फिलोक्विनोन। इसमें हमने बी कॉम्प्लेक्स को शामिल नहीं किया है। बी कॉम्प्लेक्स जैसे आप देख रहे हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, अब उनको देख लीजिए। बी कॉम्प्लेक्स के लिए अलग से हमने एक ट्रिक तैयार किया है, थैरा पैनी पाबसा। लिख कर आप डिस्क्राइब कीजिए, आपको इजली इसे समझने में आसानी होगी। थायमिन, रा राइबोफ्लेविन, पै पेंटाथेनिक, नी नियासिन, पा पायराडॉक्सिन, ब बायोटीन, सा साइनोबालोमिन।
इसके अलावा हमने इनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं उसके लिए अलग ट्रिक तैयार किया है। रबे सारे बर, र रतौदी, बे बेरी बेरी, सा से स्कर्वी, रे रिकेट्स, ब बांझपन, र रक्त का थक्का, न जमना। और इन सब के अलावा एक और ट्रिक मेरे पास है इनके आविष्कारक के लिए। मैं होल हाँ, मैकुलन मैकुलन, होलकट, हॉपकिंस, हॉगिंस भी कहते हैं। तो ये थे गाइस हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के मोस्ट सेलेक्टेड, कह सकते हैं कुछ मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस। आप यूं ही बना सकते हैं और इनकी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आज की ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।